नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नसरुल्लागंज में एक जीप और बाइक में भिड़ंत, हादसे में दो जनों की मौत। टोडा भीम में मकर संक्रांति पर दंगल का आयोजन, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिंडौन, करौली से आए पहलवानों ने लिया भाग। बयाना में मौसम के फिर से बदले मिजाज, शीतलहर ने छुड़ाई धूजनी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नादोती तहसील के गढ़मोरा गांव के राजा मोरध्वज नगरी में मकर संक्रांति के पर्व पर मेला आयोजित किया जाता था। ग्रामीणों का मानना है कि प्राचीन काल में यहां से नारायणी माता जा रही थी, तब वहां स्नान करने के लिए यहां रुकी, तब यहां पानी का निवास और कुंड बन गया। जब से लेकर तब मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं टोडा भीम के हाई सेकेंडरी स्कूल में मकर संक्रांति पर दंगल पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से लेकर 51,000 तक की कुश्तियां आयोजित हुई। दंगल में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिंडौन, करौली से आए पहलवानों ने खूब भाग लिया। इस आयोजन में पुलिस बल तैनात रहा और इस अवसर पर विधायक चेयरमैन राम खिलाड़ी मीणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलने और शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाने से अब सर्दी में लोगों की मुसीबतें भी बढ़ने लगी हैं। आसमान में अब दो दिनों से बादलों का डेरा डालने से सूरज देव के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं और सभी लोग धूप के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें, सर्दी में होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग ज्यादा बताए जा रहे हैं। सीहोर नसरुल्लागंज हाईवे पर एक जीप और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक कोसमी से चावल लेकर जा रहे थे और अपने गांव कुरायनपुरा की ओर निकल रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार महेंद्र जीप ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसरुल्लागंज ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं लाड़कुई चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बयाना कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिनमें श्रद्धालु और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मकर संक्रांति के पर्व पर धार्मिक मान्यताओं परंपराओं के अनुसार विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक संगठनों सहित दानदाताओं की ओर से जगह जगह भंडारे और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिनमें जरूरतमंद लोगों को पकवानों, तिलगुड़ से बनी मिठाइयां आदि का निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर हसदेव नदी के तट पर मां गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें चांपा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुबोध मिश्रा, जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल, नव नियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष जय थवायत, उपाध्यक्ष हरदेव देवांगन, चांपा सेवा संस्थान के पुरुषोत्तम शर्मा, सदस्यगण सहित नगर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि यह महत्वपूर्ण आयोजन चांपा सेवा संस्थान के तत्वाधान में संपन्न हुआ। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यामा भारत टीवी के साथ। नमस्कार।